आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्याज और आलू से बनने वाला ज़बरदस्त सा और चटपटा सा नाश्ता, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो हमेशा बनाते रहेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक कच्चा आलू। एक कच्चे आलू से यहाँ पर आज हम ढेर सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हों और कुछ भी ना हो तो बस फटाफट से एक कच्चा आलू उठा सकते हैं और आप इसे 8 से 10 लोगों के लिए आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। कच्चे आलू को आपको छील के इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लेना है, जिस तरह से यहाँ पर मैं काट रही हूँ। आलू हमारे कट चुके हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इन आलुओं को अच्छे से धो लेना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक बाउल में पानी ले लिया है। आलुओं को हम इसमें अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लेंगे। इससे आलू में जितना भी स्टार्च और गंदगी वगैरह होगी वो सब निकल जाएगी। अब देखिए आलू अच्छे से धुल चुके हैं। अब हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने आलू कट करके रखे थे ना, बस सिंपली आपको इसे ऐड कर देना है मिक्सी के जार में। और इसके साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, जिसे मैं काट के डाल रही हूँ इसमें। इसके साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है मैंने। बहुत बड़ा प्याज आपको नहीं लेना है, एक मीडियम साइज़ का आपको यहाँ पर प्याज लेके काट के इसमें डाल देना है। और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, बस कुछ चीज़ें ही हमें इसमें ऐड करनी है। और सबसे स्पेशल इन्ग्रीडियंट इस रेसिपी का है धनिया। तो खूब सारा धनिया यहाँ पर आप ऐड करें। इसके साथ ही थोड़ी सी हमने सौंफ ऐड की है और 1/2 चम्मच के करीब जीरा ऐड किया है। तो बस इतनी सारी चीज़ें आपके किचन में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और इसमें अब हम 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डालेंगे और इसे हम सिंपली ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए आपके किचन में ये सारी चीज़ें हमेशा मौजूद होती हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मेहमान अचानक से आ जाएं तो आप ये नाश्ता उनके लिए बना सकते हैं। देखिए हमने इसे बहुत थोड़े से पानी में पीस लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपसे ये ना पिसे बारीक। अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने निकाला है। इसमें हम ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अभी हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपली हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और अब यहाँ पर देखिए आपको ले लेना है चावल, जो हम डेली चावल खाते हैं ना, बस वही चावल ले लेना है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाता है, इसका पाउडर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास चावल का आटा मौजूद है, इसलिए मैं इसी आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब गैस पर हमने एक पैन रखा है, जिसमें हमने 1/2 छोटी चम्मच के करीब ऑयल डाला है। बहुत ही लेस ऑयल डालना है और चुटकी भर से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे और अच्छे से हम जीरे को चटकने देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो इस टेस्टी सी रेसिपी का लाभ मिलेगा उन्हें भी और वो भी ट्राई करेंगे। देखिए जीरा अच्छे से यहाँ पर चटक चुका है। अब इसमें हमने वही पेस्ट ऐड कर देना है जो हमने ग्राइंड करके रखा था। हल्का सा आप इसे एक बार ही मिक्स कर लें इस तरह से। उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे इस नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा सा बनाने के लिए। तो हमने इसमें मिर्च तो ऐड कर ही दी थी, अब ऊपर से थोड़े से और फ्लेवर ऐड करेंगे, जैसे कि है लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच के करीब हमने इसमें ऐड किया है। और अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है इस नाश्ते का। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। और अब यहाँ पर आपको ऐड करना है चावल का आटा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है। अगर आप इस प्योरी को मेजर करेंगे तो ये प्योरी भी टोटली 1 कप के करीब होगी। तो आप इन दोनों चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। अगर आपको पानी कम लगता है तो आप इसमें प्योरी में थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद चावल का आटा ऐड करें। बीच में अगर आपको कम लगता है तो आप बीच में थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, कच्चा पानी आपको नहीं डालना है। अभी हमें इसे आंच को कम करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पानी की क्वांटिटी थी ना, वो एकदम परफेक्ट है। आटा बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। सारे मसाले हमें अच्छे से मर्ज करने हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना भूल गई थी, जो कि है चिली फ्लेक्स। तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड करें। इसमें देखने में जो इसकी लुकिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है
और एक चटपटा सा फ्लेवर भी मिल जाता है। इसमें चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं और मोर इसमें स्पाइसेस ऐड करना चाहें अपनी पसंद के कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीके से आज इसे बना रही हूँ। घर में रखी चीज़ों से हम इसे बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कहने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ कि हाँ ये अच्छा बनता है, मैं बना रही हूँ इसलिए आप इसे खुद ट्राई करें और फिर मुझे बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आप देखें यहाँ पर आटा अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है इसे कवर कर देना है और हम गैस बंद कर देंगे इस स्टेज पर। 5 से 10 मिनट तक इसे हम स्टीम में इसी तरह से पकने देंगे। 5-10 मिनट बाद आप देखेंगे ये अच्छे से ऐसा हो जाएगा कि आप इसे टच कर सके, हल्का गुनगुना सा हो जाएगा। तो आप इसे पूरी तरह से ठंडा ना करें, हल्का गुनगुने में ही आप इसे बना सकते हो। तो अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अभी ये हाथों पर थोड़ा सा स्टिकी होगा तो आप इसमें थोड़ा सा हाथों पर ऑयल लगा लें, इस तरह से जैसे मैंने लगाया है, बस हाथों पर इसे हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। हमें इसे गूंदना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, कोई मेहनत वगैरह हमें नहीं करनी है इसमें। बस सिंपली आपको इसका एक बड़ा सा बॉल बना लेना, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे 2 हिस्सों में भी डिवाइड करके बना सकते हैं, लेकिन मैं पूरा का पूरा यहाँ पर एक साथ एक बॉल बना रही हूँ और सरफेस पर रख कर हम इसे बेलना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आपको किसी आटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत आसानी से बेल जाएगा और बिल्कुल भी ये नहीं चिपकेगा। तो देखिए पतला सा नहीं बेलना है हमें, इसे थोड़ा सा मोटाई में बेलना है, जैसे कि हम पराठा बेलते हैं ना, बस आपको उसी तरह का इसे बेल लेना है। तो देखिए मैंने इसे बड़ा से आकार का बेल लिया है इस तरह से। बेलने के बाद आपको इसके सारे साइज़ ना इक्वली कर लेना है, कहीं पे मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए, इक्वली आप इसे अच्छे से बेल लें। उसके बाद अब आपके घर में ग्लास या कटोरी तो मिल ही जाएगा, तो बस ग्लास या कटोरी उठाएं और फटाफट से इसे शेप देना शुरू कर दें। अपनी पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप तरह तरह के इसमें शेप बना सकते हैं, हार्ट शेप बना सकते हैं, स्टार का बना सकते हैं, जो मन चाहे आप इसे शेप दे सकते हैं अपनी पसंद का, या फिर आप इसे बड़े बड़े साइज़ का भी फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इसे सेक भी सकते हैं और इससे रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं, जब आपका मन चाहे आप इसे फ्रिज से निकालें और आराम से 7-10 दिन के लिए आप इसे स्टोर कर लें, सेकने के बाद इसे फ्राई कर लें। इसमें ऑयल भी बहुत कम लगता है और आपका ताज़ा ताज़ा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे के सारे पीसेस कट कर लिए हैं बहुत आसानी से। तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, एज यूजुअल जैसे कि मैं हमेशा से जब रेसिपी बनाती हूँ फटाफट से तेल को गर्म कर लेती हूँ, उससे हमारा टाइम भी बच जाता है। तो अगली गैस पे आप ये काम कर लें और आपको इसे फ्राई करना है तेज तेल में, यानी कम तेल में। आप अगर इसे कम आँच में फ्राई करेंगे तो ये तेल पी लेगा। तो अच्छे से आपको इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये कितने ज़्यादा फूल जाएंगे। ऐसे लग रहा है हमने यहाँ पर गोलगप्पे फूले फूले बना के तैयार किए हैं, और यकीन नहीं होगा कि आप इस तरह से भी इतना टेस्टी सा नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। और आप जिसे भी खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा, क्योंकि ये बनता ही इतना डिलीशियस है। ऊपर से आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी लेयर बन गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो आप जितने भी आपने बनाए हैं आप इसी तरह से फ्राई कर लें। तो मैंने यहाँ पर सारे बैचेस इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं, इसके साथ मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी फ्राई की है और इसे मैं केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही मिनट में हमने कच्चे आलू का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। और अभी आप देखें ये कितने नरम भी हैं, ये नरम भी अंदर से बहुत बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी अंदर से नरम नरम, खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को